हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज है Q&A सेशन, आपके सवाल हमारे जवाब। तो हमने फ्राइडे को एक कम्युनिटी पोस्ट दिया था, उसमें हमने लिखा था कि जो कोई भी हमसे क्वेरी पूछना चाहते हैं, कॉलेज एंड एजुकेशनल रिलेटेड क्वेरी, वो लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत जन ने यहाँ पे इंस्टाग्राम में मैसेज किया, तो इसमें से हमने जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसको हमने छाट दिया, और जो हमें लगा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही हम सिर्फ लिए हैं सेलेक्ट करके। लाइक हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, और वो 10 क्वेश्चंस में आपका भी सवाल जुड़ा हुआ रह सकता है। इसीलिए ये वीडियो को तो आप लोगों को एंड तक देखना है, ताकि आपका सारा का सारा क्वेरी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाए। और Q&A एपिसोड 2 भी आने वाला है। अगर तुम्हारा क्वेरी एड्रेस अभी तक नहीं हो रहा है, तो प्लीज इंस्टाग्राम में तुम मैसेज करो अभिषेक जा 7। सिर्फ मैसेज ही नहीं भाई, फॉलो भी करो। कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ मैसेज ही कर रहा है। आशीष चंचलानी, अमित बराना, भुवन बाम, इन सबको तो फॉलो करने में तुम एकदम हाथ भी नहीं कांपते। फॉलो भी करो, फॉलो करो और फिर मैसेज करो, ठीक है? तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ये डाउट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा Q&A एपिसोड 2 में, ठीक है दोस्तों? चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर। और एक बात कि कमेंट सेक्शन का डाउट Q&A सेशन में नहीं लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? कमेंट सेक्शन का डाउट जो रहता है वो Q&A सेशन में नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को पर्टिकुलरली Q&A सेशन में आने के लिए इंस्टाग्राम पे डाउट पूछना पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आइए, सबसे पहला डाउट यहाँ पे अनुप्रिया सिंघा जी का सबसे पहला डाउट है। इन्होंने पूछा है कि भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मैं बोल सकता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप के टाइम सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स सही दिया है, एकदम करेक्ट वे में दिया है, तो वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? आपका पेमेंट हो चुका है, आपका रिसिप्ट निकल चुका है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने ऐसा है कि अगर तुमने 12th का मार्कशीट गलत दे दिया, लाइक वो चोर बाजार वाला 12th का मार्कशीट ला के दे दिया, तब तो प्रॉब्लम होगा ही। लेकिन अगर सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स तुमने एकदम सही दिया, एक्यूरेट दिया है, तब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पे जानवी सौ पूछ रही है, भैया आपका एज क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैं अपना एज बता दूं, लेकिन एक बात मैं जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा, लड़कों से उसका सैलरी और लड़कियों से उसका एज कभी नहीं पूछते, लेकिन मैं तो लड़का हूं तो मैं आपको एज बता देता हूं। मेरा एज अभी 23 चल रहा है, ठीक है? मैं अभी 23 साल का हूं। आप कितने साल के हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर लड़के हो तभी, ठीक है? चलिए आगे, यहां पे 3 में ये चतुर्वेदी समृद्धि जी ने यहाँ पे पूछा है, भैया मेरा उमेश चंद्र में रैंक 1082 है, चांस है क्या? बहुत ही लेस चांस है, आपका फोर्थ फिफ्थ लिस्ट में निकल सकता है, ठीक है दोस्तों? तो अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं। ये पीयूष कुमार, ये इन्होंने पूछा है, भैया मेरा गोइंका में हो जाएगा, मेरा 256 रैंक है मॉर्निंग में और 202 रैंक है डे में, तो गोइंका में डे में आपका होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे आपका जो डे में मतलब चांसेस ज्यादा है और मॉर्निंग में कम है भाई, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद ओरको चटर्जी ने पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि बोंगोवासी कॉलेज कैसा है। तो मैं बता दूं, बोंगोवासी कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है। अगर आपका 75 से 80% मार्क्स आया है, तो बोंगोवासी कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ये पढ़ाई लिखाई भी अच्छा ही होता है, मॉर्निंग कॉलेज है ना? तो आप लोग बिल्कुल ये बोंगोवासी को कंसिडर कर सकते हैं, उतना भी बुरा कॉलेज नहीं है, ठीक ठाक एवरेज। मैं अगर इसको वोटिंग देना चाहूंगा बोंगोवासी को, तो यहाँ पे 70-80% मैं दे दूंगा उसको, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बेस्ट कॉलेज है मेरे हिसाब से। जो लोग एवरेज मार्क्स लाए लाइक 70, 80, 85 ऐसे टाइप्स के मार्क्स के लिए बोंगोवासी कॉलेज सही है। मैं एक और डाउट यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ कि बोंगोवासी कॉलेज में क्या अटेंडेंस लगता है? तो मैं बता दूं, नॉर्मल अटेंडेंस लगता है, लाइक 60% 70% अटेंडेंस लगता है। अगर आप लोग भी मुझे डाउट्स पूछना चाहते हैं, आपका अगर यूनिक डाउट है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का ही सवाल का जवाब यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए मुकेश सिंह ने बोला है,
भैया सेम टू का रिवीजन कब लाएंगे, जल्दी लाएंगे जल्दी लाएंगे। आप लोग रिस्पांस नहीं देते इसीलिए नहीं ला सकते हैं। हम जल्दी लाएंगे, सेमिस्टर टू बहुत ही जल्द आने वाला है और बूस्टर एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन होने वाला है सेमिस्टर टू के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों का एग्जाम्स बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सेमिस्टर टू का ऑलरेडी मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन का फुल चैप्टर फुल रिवीजन करवा दिया, पूरा का पूरा मैराथन ले लिया था, कॉस्टिंग का पेपर्स अपलोड कर दिया, एचआरएम और एमएम का एक पेपर अपलोड किया ऑलरेडी, और कंपनी लॉ का तो मान लो पूरा का पूरा सिलेबस ही यूट्यूब में मैंने करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो सेमिस्टर टू का रिवीजन आ रहा है धीरे धीरे करके, और भी आता रहेगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा अग्रवाल का। यहां पे दिशा अग्रवाल जी ने पूछा है, आई गॉट इनटू श्री शिक्षायतन कॉलेज एंड जेवियर्स यूनिवर्सिटी न्यू टाउन फॉर बीकॉम, कैन यू प्लीज टेल मी विच कॉलेज इज बेस्ट। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप गर्ल्स हो तो श्री शिक्षायतन आप लोगों के लिए बेस्ट है। और इनका क्वेश्चन ये भी था कि ये सीए भी करी है साथ में बीकॉम के साथ, उस केस में आपके लिए हमेशा शिक्षायतन बेस्ट रहेगा, क्योंकि शिक्षायतन आप लोगों को एक चीज देखना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज में आप लोगों को नहीं जाना है, वरना एक प्रोफेशनल कोर्स में ना धज्जियां उड़ जाएगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज में आप लोग ना जाएं, और श्री शिक्षायतन कॉलेज बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है लड़कियों के लिए। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप सीए साथ में कर रहे हैं तो श्री शिक्षायतन कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप लड़की लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव सिंह का, इन्होंने पूछा है, सर सेमेस्टर फोर का सजेशंस तो बहुत ही जल्द आने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सारे के सारे सेमेस्टर फोर का सजेशंस बिल्कुल आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन राज राही, सर भवानीपुर फीस रिफंड करेगा? तो आंसर है नहीं, फीस रिफंड नहीं करेगा, मेरा माना जाए तो फीस रिफंड नहीं करेगा। हाँ 1-2% चांसेस है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा दौरा झपटी करने के बाद वो लोग अगर फीस दे दे, रहम खा ले, वो अलग बात है, लेकिन आपका फीस ये लोग क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका फीस यहां पे रिफंड नहीं होता है भवानीपुर कॉलेज का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जल्दी जल्दी कीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस Q&A के वीडियोस आते रहे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे लेकिन हमने लिस्टेड क्वेश्चन ही लिया हुआ है, लेकिन तुम लोग फॉलो नहीं करते, क्वेश्चन ही पूछते हो इंस्टाग्राम में, ऐसे कैसे चलेगा भैया बताइए। तो यहां पे रिशु, ये बर्नवाल का क्वेश्चन है, जयपुरिया के कंपैरिजन में उमेश अच्छा है? तो उमेश का अगर बात करें, जयपुरिया से ऑफकोर्स नीचे लेवल का ही कॉलेज है, जयपुरिया इस लेवल का कॉलेज है, उमेश इस लेवल का कॉलेज है, लेकिन उमेश बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाए, ठीक ठाक मार्क्स लाए, लाइक 80-85% के आसपास लाए हैं, 85-90% के आसपास लाए, फिर भी आप लोग उमेश में जा सकते हैं, मॉर्निंग में हो जाता है। जो लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए उमेश बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं उमेश को। लेकिन हाँ जयपुरिया से कंपेयर करने जाए तो ये कंपेरिजन वैलिड नहीं है, क्योंकि जयपुरिया सबसे प्राइम कॉलेज है, जो उमेश उसके नीचे ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो उमेश चंद्र कॉलेज इज ओवरऑल बेस्ट कॉलेज, बट कंपेयर टू जयपुरिया नहीं, जयपुरिया से कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 10 सवाल ले लिए, आपके सवाल हमारे जवाब। इसी तरह आप लोग यहां पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपका Q&A को सॉल्व कर पाऊं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कमेंट सेक्शन डाउट विल नॉट बी एंटरटेन इन द Q&A सीरीज। इंस्टाग्राम ID यहां पे दिया हुआ है, अगर आप लोग आना चाहते हैं Q&A एपिसोड 2 में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।